बच्चों मैं फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 27 एंड डीपीपी 23 का क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा हूँ। 51 और 27 सेम क्वेश्चन है। क्या है फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 27 एंड डीपीपी 23 का क्वेश्चन नंबर 51 वर्क एनर्जी पावर, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है वो अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। देखिए हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, फुल्ली सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो √5gr होनी चाहिए, है ना। हमने पढ़ाया था आपको कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन, सक्सेसफुल सर्कुलर मोशन के लिए बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr होनी चाहिए। लेकिन अगर बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √5gr से कम हो तो फिर इसका मतलब यह है कि कहीं पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन अटक जाएगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 जो है फॉर्मूला चार्ट का और डीपीपी का 23, ये जो है अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही सवाल है। इसके अलावा डीपीपी 23 में एक क्वेश्चन और है, 39, 40, 42, 43 देखो, ये भी अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, हाँ 39, 40, 41, 42 ये भी अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अनसक्सेसफुल मोशन के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना फॉर्मूला चार्ट डीपीपी 23 का 51, इसको चेक करिए आप। मैं इस सवाल को समझा रहा हूँ कि सवाल है क्या। सवाल ये है फंडामेंटली बेटा कि एक पॉइंट है पी, वहां से एक कैपिटल एल लंबाई के धागे से एक पेंडुलम लटका हुआ है और इससे एल बाई एट डिस्टेंस पर एक वर्टिकल लाइन इन्होंने ड्रॉ की है। एक वर्टिकल लाइन इन्होंने ड्रॉ की है, राइट। अब आप देखिए ये जो वर्टिकल लाइन इन्होंने ड्रॉ की है ना, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन एल बाई एट पर है, ये लाइन एल बाई एट पर है। तो आप अब ध्यान दीजिए कि यहां से इसको इन्होंने कोई वेलोसिटी इंपार्ट किया, यू वेलोसिटी। आप सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, तो ये कैपिटल वी बराबर यू दे रखा है इन्होंने, राइट। तो अब जब ये सवाल है तो इसको आप देखिए ध्यान से, हाँ इसको यू वेलोसिटी दी गई है और यू वेलोसिटी देने के बाद में ये कह रहे हैं कि देर इज अ वर्टिकल लाइन ए बी एट डिस्टेंस एल बाई एट फ्रॉम पी, एट सम पॉइंट इट लीव्स सर्कुलर मोशन, एट सम पॉइंट इट लीव्स सर्कुलर मोशन, यानी कि कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ इसकी सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगी। तो देखिए मैं इसका सर्कल बना रहा हूं, अब मान लो यहां सर्कुलर मोशन का नमस्ते हो गया, सर्कुलर मोशन फेल हो गई, तो यहां पर सर्कुलर मोशन अनसक्सेसफुल हो गई, फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। तो मान लीजिए ये कैपिटल एल लंबाई की रस्सी है ना, और ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। यहां पर जो है एम जी वेट लगेगा, बिल्कुल धरती माता के कारण एमजी लगेगा, यहाँ टेंशन टी भी लगेगा रस्सी के अंदर, ये आपका एमजी का कंपोनेंट। यहाँ पर देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 - थीटा है, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा एमजी साइन थीटा। ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है इसका सेंटर यहाँ पर है, तो दिस पी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो देखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर टी प्लस एम जी साइन थीटा, इट इज इक्वल टू आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एल। मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी वी है, यहां वेलोसिटी यू है, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने यू। मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी फाइनल आकर के वी हो जाती है, तो आपके पास में ये आपकी इक्वेशन आ गई, हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, ये हमेशा ही होता है।
अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें इसे फ्री करना है तो हम टी को जीरो कर देते हैं, टेंशन को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। देखिए टी इक्वल टू जीरो हो गया। अब जब टी इक्वल टू जीरो हो गया तो एम जी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल। टेंशन जीरो करने का क्या फायदा हुआ, टेंशन जीरो करने का मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक डाउन कर गई है। सर्कुलर मोशन तब तक होगी जब तक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा। जैसे ही स्ट्रिंग का टेंशन खत्म होगा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगी। तो सर्कुलर मोशन स्टॉप करने के लिए टी इक्वल टू जीरो टू सीज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की छुट्टी करनी है तो आपका टेंशन जीरो होना चाहिए। टेंशन जीरो हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे वी रिक्वायर्ड है वो होगा अंडर रूट जी। अच्छा ये कैपिटल एल है बेटा, स्मॉल एल नहीं है ना, कैपिटल एल है जी, कैपिटल एल साइन थीटा। ये वेलोसिटी चाहिए आपको पक्का। अच्छा ये वेलोसिटी आपको चाहिए। अब क्या होगा, ये यहाँ एक लाइन बोल रहे हैं कि यहाँ के बाद में ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो दिस पार्टिकल विल गो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन दे रखी है इन्होंने ए बी लाइन जो एल बाई एट पर इन्होंने दी थी, यहाँ से ये वाली लाइन एल बाई एट डिस्टेंस पर, ये कह रहे हैं कि इस लाइन पर जब ये पार करता है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो टोटल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, यानी 100% हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ऐसा इन्होंने बोला। आप सवाल पढ़िए, ये पार्टिकल जब यहाँ से फ्री हो गया है, इस रस्सी से अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि रस्सी ढीली ढाली हो चुकी है और ढीली ढाली रस्सी का कोई महत्व है नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ से अब वर्टिकल सर्कुलर ये सर्कुलर मोशन छोड़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन पे ये इस तरह से यहाँ हॉरिजॉन्टल आएगा, फिर आगे की प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल तो पूरा बनेगा ना बेटा इस तरह से। ये जो है ये टॉप पॉइंट है, ये जो है टॉप पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये यहां से लेके यहां तक ये रेंज का आधा पार्ट है और यहां से लेके यहां तक रेंज का आधा पार्ट है। बेटे मैं हूं ना इस लाइन की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई दिस है ना, देखो इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये जो लंबाई है इसको मैं एल कॉस थीटा बोल रहा हूं क्योंकि ये कैपिटल एल है, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा राइट, और ये वाली लंबाई एल साइन थीटा हो जाएगी पक्का। चलिए अब जब ये एल कॉस थीटा हो गई है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये r बाई टू ये वाली लंबाई है, अब ये r बाई टू और ये l बाई एट ये दोनों मिला के एल कॉस थीटा के बराबर होंगे। तो देखिए कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका l बाई एट प्लस r बाई टू इट इज इक्वल टू क्या l कॉस थीटा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम l बाई एट प्लस r बाई टू, r बाई टू को हम बोलेंगे 1 बाई टू, r को बोलूंगा मैं v स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g, साइन टू थीटा अपॉन g, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है। यहाँ पर v है वेलोसिटी, बेटे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा पक्का, ये वाला एंगल। अच्छा 90 माइनस थीटा है तो यहां पर जो है ना आप सोचिए थोड़ी देर के लिए क्या आएगा, v स्क्वायर साइन टू थीटा, टू थीटा की जगह आएगा 2 इंटू 90 माइनस थीटा, अब 2 इंटू 90 माइनस थीटा होगा 180 माइनस 2 थीटा, तो इसका मतलब वापस साइन टू थीटा आ जाएगा, ये आ गया आपका और ये आ गया है कैपिटल L cos थीटा। अब देखिए ये है L बाई एट, यह है प्लस 1 बाई टू और ये है v स्क्वायर, v स्क्वायर ध्यान दो हमने v इक्वल टू ये चीज प्रूव कर दी है अंडर रूट जी एल साइन थीटा, तो हम वहां पर v की वैल्यू लिख देंगे अंडर रूट जी एल साइन थीटा, अंडर रूट जी एल साइन थीटा ये रख दिया हमने, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा है ना, ये साइन टू थीटा है बेटा और ये है g,
और ये है एल कॉस थीटा। चलिए अब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करिए, है ना। तो देखिए जब हम कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो ये होता है एल बाई एट और ये होता है प्लस वन बाई टू। जब इसको आप पूरा करेंगे तो ये जी एल साइन थीटा एंड साइन टू थीटा अपॉन जी आएगा बेटा, और यहाँ पर आएगा एल कॉस थीटा। तो प्लीज़ चेक करिए इसको, इसको जब आप चेक करेंगे ना तो देखो क्या होने वाला है। एल से एल काट दो, सारे एल कैंसिल हो गए, राइट। जी से जी काट दो, ये आ जाएगा वन बाई एट प्लस वन बाई टू। ये है साइन थीटा और ये है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये है बेटा कॉस थीटा। आप चेक करें, और जब ये इस तरह से हो गया है तो इसको मैं कहूँगा कि टू से इस टू को काट दो तो ये आ जाएगा वन बाई एट इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो वन बाई एट इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट सेल्फ इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये एक कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू वन बाई एट है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया है, यानी हमारा ये एंगल हमने निकाल दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर वो क्या करेगा, अपना जो है ना सर्कुलर मोशन को लूज करेगा। चलिए आपके पास में जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया है तो अब हम जरा बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, क्योंकि हमें निकालना है यू, हमें निकालना है यू, वी वांट यू, वी वांट यू। तो देखिए हम जब यू की बात करेंगे तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, तो टोटल इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। मैं इस हाइट को बोलूंगा कैपिटल एल, ये हाइट कैपिटल एल है, रस्सी है ना लंबाई, तो ये कैपिटल एल है। अब ये कितनी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एल साइन थीटा है, ये एल साइन थीटा। देखिए मैं टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी करूँगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, थीटा इज 60 डिग्री है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है, वी हैव गॉट दी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ चुका है। मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी भी लिख रहा हूँ हाफ एम यू स्क्वायर, टोटल फाइनल एनर्जी में लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो एम जी एच, एच की जगह आ जाएगा एल प्लस एल साइन थीटा, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन का रूल आया, करेक्ट। देखो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल आया। तो अब देखो मैं इसको बाबा रे, हाँ, तो देखिए हाफ एम यू स्क्वायर, हमें यू चाहिए, वी वांट यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हमने लिख दिया है कितना, अंडर रूट जी एल, तो इसका जी एल का स्क्वायर करो, जी एल साइन थीटा, ये रखा देखो वी, ये रखा है बट प्लस एम जी एल वन प्लस साइन थीटा, बस अब आप एम से एम उड़ाइए, एम से एम उड़ाइए, टू से टू मल्टीप्लाई कर दो, उधर टू ले जाओ, ठीक है। देखिए यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया जी एल, और साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री दैट इज रूट थ्री बाई टू प्लस टू जी एल वन प्लस साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री यानी रूट थ्री बाई टू। अब आप कैलकुलेशन करिए, जी एल बाई टू एक काम करो कॉमन ले लो, तो देखिए यू इक्वल टू आएगा जी एल बाई टू, आप कॉमन ले लीजिए, है ना, और जब आप जी एल बाई टू कॉमन लेंगे तो एक मिनट जरा यू स्क्वायर ही रहने दो, एक बार जी एल बाई टू आपने कॉमन लिया, क्या क्या ये आएगा अंदर देखो जरा, अगर आपने जी एल बाई टू कॉमन लिया तो एक तो ये रूट थ्री है और ये रूट थ्री है, ओके, ये टू और है यहाँ पे, ओके, तो कुल मिला के थ्री रूट थ्री आ जाएगा, है ना, प्लस ये टू और ये टू मिलके फोर हो जाएगा।
देखो यू कितना आएगा, अंडर रूट जी एल बाई टू थ्री रूट थ्री प्लस फोर। देखो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन किया है मैंने, इस टू को बाहर निकाला बेटा, जब टू को मैं बाहर निकाल के यहाँ ले आऊँगा तो ये टू गायब हो गया, ये जो टू है ना ये यहाँ आ जाएगा राइट। अब ये टू अंदर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो टू और टू फोर हो जाएगा और ये टू रूट थ्री हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। आप चेक करिए आंसर, एक मिनट, इस सवाल का आंसर देखो मैं बताता हूँ। इन्होंने जी एल अपॉन टू थ्री रूट थ्री, हाँ बिल्कुल यही है, यही है। चलिए अब हम ये सवाल कर चुके हैं, बस इसका यही पूछा था ना इन्होंने, हाँ बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी थी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी तो हमने निकाल दी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39, 41, 40, 41, 42। ये क्वेश्चन जो है ना डीपीपी 23 का, ये भी अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हमें वो पोजिशन प्राप्त करनी पड़ती है जहाँ पर वो स्ट्रिंग जो है अपना कंट्रोल खो देगी, स्ट्रिंग अपना टेंशन खत्म कर देगी, लूज हो जाएगी स्ट्रिंग। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसमें एक इन्होंने ब्लॉक दिया है, वुडन ब्लॉक। तो देखिए सीन ये है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक दिया है इन्होंने, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक रस्सी लगा रखी है जिसकी लंबाई एल है और ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी यहां से बुलेट है जो जाएगी इसके अंदर से राइट, और इसके अंदर से ये निकलेगी बाहर, क्लियर। अच्छा जब ये चीज इसके अंदर से बाहर निकलेगी तो देखिए क्या होगा कि बुलेट तो गई अपने रास्ते, ये कह रहे हैं आधी स्पीड बुलेट अपनी ले गई। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर बुलेट की स्पीड होती है यू कॉस थीटा, ये ध्यान रखिए। इनिशियल अगर स्पीड यू है, इनिशियल एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है यू कॉस थीटा। इस स्पीड से बुलेट आई और इसमें से निकल गई, निकल गई तो देखिए पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, है ना। बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है एम यू कॉस थीटा, यस, बिफोर स्ट्राइकिंग विद द ब्लॉक। यहाँ पर स्पीड जो है यू कॉस थीटा ही आएगी, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा यू कॉस थीटा होती है, ऐसा इन्होंने बोला है राइट। अब हम बात करेंगे इसमें, ये एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा बाय टू से ये निकल गई है बाहर प्लस कैपिटल एम वी, तो इसका मतलब यह है कि जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी एम यू कॉस थीटा अपॉन ट्वाइस कैपिटल एम, ट्वाइस कैपिटल एम। आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ोगे ना तभी सवाल बनेगा, है। एक बुलेट है स्मॉल एम की, उसको फायर किया गया यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट स्ट्राइक्स विद अ ब्लॉक और उसमें से निकल जाती है हाफ वेलोसिटी के साथ, पियर्स आउट राइट। और जो है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट द स्ट्रिंग रिमेंस ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो है ना इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, अब इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर उठता है, तो ध्यान दीजिए क्या सीन है, सीन बना रहा हूं मैं पूरा। इस स्पीड यहां से ये ब्लॉक ऊपर उठता है और कहीं जाकर के ये शांति से मतलब अपनी स्ट्रिंग की जो है वो खो देता है, क्या कंट्रोल, यानी कि स्ट्रिंग लूज हो जाती है। जब स्ट्रिंग लूज हो जाती है तो अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, इस एंगल को थीटा कह दूं, यहां पर टेंशन है बेटा जो कि अभी हम थोड़ी देर में जीरो कर देंगे, ये एम जी है तो नेचुरल है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो एम जी साइन थीटा होगा। और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था पिछले सवाल में भी ये बात कही थी, टी प्लस एम जी साइन थीटा, ये बड़ा ब्लॉक है, आई एम सॉरी कैपिटल एम लिखिए यहाँ पे, यहाँ भी कैपिटल एम लिखो, तो कैपिटल एम जी साइन थीटा इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये है। तो बेटा टी को जीरो करना है, टी को क्या करना है जीरो। एक मिनट जरा, इन्होंने कुछ सवाल और भी तो पूछे ना, अच्छा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है पहले, तो चलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो मैं निकाल देता हूँ अभी साइड में, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाँ अब इन्होंने जो है ना ये आपको दे दिया एम वी, तो देखिए क्या हुआ,
आपका ये एम से एम गया और आपका यहाँ पर आ गया वी स्क्वायर बराबर जी एल साइन थीटा। अब यहाँ एक बड़ी सावधानी की बात है, इन्होंने इस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक का इन्होंने टोटल एंगल दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं होती, ढीली ढाली नहीं होती, स्ट्रिंग जो है मजबूती से टेंशन रहता है उसमें, लेकिन जैसे ही 120 डिग्री होता है कंप्लीट खत्म। ये कह रहे हैं आफ्टर इंपैक्ट द स्ट्रिंग रोटेट्स थ्रू एंगल फाई इक्वल टू 120, इसका मतलब स्ट्रिंग जो है ना 120 डिग्री तक ही घूमती है, इसके बाद स्ट्रिंग ढीली पड़ जाती है। तो अब आप यहाँ पर थीटा कितना रखेंगे, अगर ये ये पूरा 120 डिग्री है, तो अगर ये पूरा 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बेटा, तो नेचुरल थीटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा जी एल बाई टू, ये आपका वी आएगा अंडर रूट जी एल बाई टू, इस जगह पर आएगी वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखो आपका जो है ना ये स्ट्रिंग जो है यहाँ तक आ गया, करेक्ट, आपका ये वेलोसिटी आ गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब ये कह रहे हैं आफ्टर द इंपैक्ट स्ट्रिंग रोटेट्स थ्रू, तो फाइंड अ कॉस थीटा, अच्छा थीटा तो वहाँ से आएगा ना, कॉस थीटा, राइट, ओके। अब देखो ये हम जो है ना इसको ले करके, और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी इस ब्लॉक की, वो वेलोसिटी आपकी ये थी। अब हम इसको और इसको एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके और हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए लेकिन उससे पहले हमारा एक स्टेप रह गया जिसको कि क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं। वो कह रहे हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम एज बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक में से जब निकलती है तो हमारे को वो चाहिए कि क्या हो रहा है ना, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। एनर्जी लॉस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो जिस समय ये बुलेट इसके अंदर जा रही है उस समय बुलेट की एनर्जी कितनी है, तो बुलेट की एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बुलेट की एनर्जी है जब वो उसमें जा रही है, अंदर एंट्री कर रही है, एंट्री करने के बाद जब निकल रही है बाहर, तो ये है हाफ एम यू कॉस थीटा अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसमें से करेंगे कि ब्लॉक की जो एनर्जी गई है, मतलब ये आपकी इनिशियल एनर्जी थी ना, तो आप इसको क्या करेंगे कि माइनस करना है ना आपको, तो टोटल एनर्जी लॉस निकालना है आपको। एनर्जी लॉस कितना होता है, एनर्जी लॉस होता है इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी, इसको इनिशियल एनर्जी लॉस कहते हैं। तो देखिए एनर्जी लॉस जो है वो आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ उसका ब्लॉक की एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन फोर प्लस ये तो आ गया आप उसकी ब्लॉक की हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर ये है बेटा। तो आप इसको लिख दीजिए एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4m2, ये आपका आएगा, राइट। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे ना, देखो इसका क्या आने वाला है एनर्जी लॉस। ये 1/4 है तो यहां आएगा 3/4 माइनस 1/2, ये m से m गया, यहां आ जाएगा स्मॉल m अपॉन 8 कैपिटल m। स्मॉल m अपॉन 8 कैपिटल m, चलो इसको m स्क्वायर ही रहता है ना। ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक बार चेक कर लो जरा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये m। चलिए अब आप इसमें से m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए और 8 भी कॉमन ले लीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 8, ये आ गया, बिल्कुल इतना चीजें कॉमन आ गई। अब यहां पर ये बचा है 3 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, स्मॉल m माइनस अपॉन कैपिटल m,
देखिए ये ऐसा है क्या, एनर्जी लॉस। हाँ इसमें जो है ना, ये जो है इन्होंने यहाँ पर स्मॉल m की जगह 3 लिख दिया है गलती से। तो आप देखिए ये इस तरह से m बाई 8 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और व्हाट 3m माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। तो दिस इज योर आंसर, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। इसमें 3 लिख रखा है ना आंसर में, उसको आप क्या करें m कर लीजिए, राइट। अब हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन की, कि 41 क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और उसमें पता है क्या, इम्पैक्ट 120 डिग्री तक गया है। तो बस हम आ जाते हैं अपनी उस जगह पर, ये एक्चुअल में एक छोड़ गया था मैं, इसलिए मैं वापस वहाँ आ गया। अब हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इस पॉइंट, मतलब आफ्टर कॉलिजन इस पॉइंट एंड इस पॉइंट दोनों के बीच में। तो अब हमारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने जा रहे हैं। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, अब की बार में इनिशियल जो है ना क्या है, अब की बार इनिशियल जो है आफ्टर कोलिजन जो इनिशियल पॉइंट है ना वो है। देखिए दो बातें थी, एक कोलिजन से पहले वाला पॉइंट वो तो तब था जब हम एनर्जी कंजर्वेशन, वो एनर्जी लॉस निकाल रहे थे, एनर्जी लॉस निकाल रहे थे। तो हमारी इनिशियल एनर्जी क्या थी, इस बुलेट के घुसने से पहले की थी और निकलने के बाद की थी फाइनल। अब की बार क्या हो रहा है कि जब बुलेट जा चुकी है उसके बाद ये कितनी स्पीड से चला वो वाला है और फाइनल वाला है। तो देखिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो सबसे पहली इनिशियल एनर्जी थी हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना था, वी स्क्वायर था आपका स्मॉल एम यू कॉस थीटा अपॉन ट्वाइस कैपिटल एम इसका होल स्क्वायर। ये आपकी टोटल इनिशियल एनर्जी थी उस ब्लॉक की जो यहाँ से गया है। देखिए ये कैलकुलेट कर रखी है हमने, कहाँ कर रखी है, ये रखी, ये रख गया, ये कैलकुलेशन किया हुआ है कैपिटल भी। अब आपका ये तो इनिशियल हो गया काइनेटिक एनर्जी, अब हम फाइनल को लिखेंगे। फाइनल आपका आएगा कैपिटल एम जी एच, एच कितना है जी, एच है एल प्लस एल साइन थीटा, एच यहां से एल प्लस एल साइन थीटा होगा। ध्यान दीजिए ये एल है और ये एल साइन थीटा, अच्छा कैपिटल एल नहीं स्मॉल एल है, यहां पे स्मॉल एल है बेटा, आप स्मॉल एल ही रखिए, है ना स्मॉल एल ही रखिए, राइट। ये हुआ प्लस ब्लॉक की वहां पर जो है ना वेलोसिटी कैपिटल एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हमने पहले ही निकाल दिया अंडर रूट जी एल बाई टू, तो आप रख दीजिए वहां पर वैल्यू और बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बस आपका आंसर यही है, यही आपका आंसर है। तो चेक करना जरा, हाफ हाफ कैपिटल एम एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई फोर एम स्क्वायर, राइट। ये है और ये है बराबर कैपिटल एम जी एल वन प्लस साइन थीटा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर की जगह अगर अपन वो रख देंगे जी एल बाई टू, तो वो रख दीजिए आप और फिर जरा इन सबको जो है ना अरेंज करिए। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है कॉस थीटा की वैल्यू, ओके। इसका मतलब यह है कि वी भी आपको यू के टर्म में चाहिए, आपको यू कैंसिल करना पड़ेगा ना पहले, तो यहाँ से देखो नहीं नहीं यू तो आएगा, यू तो आपके आंसर का पार्ट है, यू तो आंसर का पार्ट है, तो बस ठीक है फिर तो हो गया यहाँ पे। ये लो ये आपका आ गया एम से एम कैंसिल, एक ये आ गया है स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एट अपॉन एट, है ना, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ एक चक्कर और पड़ेगा कि ये जो साइन थीटा है ना ये अलग है और कॉस थीटा अलग है, कॉस थीटा एक्चुअल में नीचे वाला है जहाँ से वो चला था, ये वाला था। इस थीटा को आप ऐसा करो अल्फा लिख लो, इस थीटा को आप अल्फा लिख लीजिए क्योंकि ये अलग एंगल है और ये हमने प्रूव किया था 30 डिग्री इन्होंने दे रखा है, मतलब अल्फा इन्होंने 30 डिग्री गिवन है,
120 डिग्री है ना, तो वो 30 डिग्री है, तो वो अल्फा गिवन है, राइट। अब आप देखिए, ये जब अल्फा गिवन है तो देखो यहाँ पर आया है ये चीज, और ये चीज हुआ है कैपिटल एम जी एल 1 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा यानी 1/2, और ये है हाफ कैपिटल एम, और देखो वी स्क्वायर लिखो जी एल बाई 2, ये आपका सीन है पूरा का पूरा। तो अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू बस आने ही वाली है, आप चेक करो, स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8 इक्वल टू, आप यहां से एम जी एल कॉमन ले लो, बाकी सब चीजों को जोड़ दीजिए आप, 1 + 1/2 + 1/4 यानी कि 7/4 आ जाएगा। ये देखो 1 + 1/2 + 1/4 यानी कि 7/4 हो गया, है ना, 7/4 हो गया। अब आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, है ना। तो मुझे लग रहा है इसको आप दो बार काट सकते हो, चार से दो बार काट दिया है ना, हाँ, चार से दो बार काट दिया। और अब आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसको देखिए जरा क्या आने वाला है। कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा है ट्वाइस ऊपर कैपिटल एम ऊपर, और ये एम स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर भी यहां रहेगा, यू स्क्वायर भी यहां रहेगा, और ये 7 GL भी यहां रहेगा, 7 GL भी यहां रहेगा। तो आपका जो कॉस थीटा आएगा ये आ रहा है 1/MU और अंडर रूट 14 GL, ऐसा है क्या, अच्छा ये कैपिटल एम है, नहीं कैपिटल एम बाहर नहीं, अंदर बाहर नहीं रहेगा, अंदर जाएगा इसके, हाँ एक एम हम छोड़ गए क्या भाई, कैपिटल एम, एक कैपिटल एम शायद हमसे कहीं मिसिंग हो रही है, अच्छा 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 एक कैपिटल एम यहाँ पर है, ओके 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 ओके, एक कैपिटल एम यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर एम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एम स्क्वायर आ जाएगा, ये कैपिटल एम उधर जाएगा, यहाँ पर एम स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट, हाँ अब सही है, अब ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आप चेक करिए, वो इन्होंने लिख जो रखा है ना, देखो फर्स्ट वाला आंसर चेक करिए आप, फर्स्ट वाला आंसर यही है, फर्स्ट वाला आंसर यही है, आप चेक करो अच्छी तरह से। यहाँ पे इन्होंने 2 लिख रखा है, 2m/MU, और देखो अंदर लिख रखा है 7/2, तो ये तो बिल्कुल यही हो जाएगा ना, आप इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो दिस इज दी राइट आंसर, राइट। ये आपका मतलब वो कॉस थीटा है जब ये होगा। अब हमें क्या चाहिए, यू की वेलोसिटी चाहिए, यूजिंग द कंडीशन ऑफ द अबव क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द ब्लॉक्स रीचेस टू परफॉर्म द, वो हमने पहले ही निकाल दिया, वो सेकंड आंसर है, ये रहा अंडर रूट जी एल बाई 2, चेक करिए इसका आंसर सेकंड होगा, चेक करो 42 का आंसर चेक करो सेकंड है क्या, देखिए 42 का आंसर सेकंड होना चाहिए, हाँ बिल्कुल यही है। तो देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मतलब मोशन को सीज करने वाले, तो उस टाइम पे एक ऐसी कंडीशन आती है जब रस्सी ढीली पड़ती है, हमें वो कंडीशन पकड़नी होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें पहले दो क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, पहले जो दो क्वेश्चन है 39 एंड उसमें कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे आ जाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, असली क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, 42 भी सवाल जोरदार नहीं है, 42 भी आपका जो है ना आ ही गया था इस सिंपल स्टेप के अंदर, असली सवाल इसके अंदर जो है ना 41 ही है, बस 41 ही है, उसको करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो 41 क्वेश्चन जो है ना उसको करने के लिए हमने ये सारी एक्सरसाइज की है, राइट, कि वहां से निकाला और एनर्जी कंजर्वेशन यहां तक किया, हमारे पास ये चीज आ गई। चलिए नमस्ते, तो ये आपके क्वेश्चंस थे और बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशन का जो है ना करना चालू कर दो आप, राइट,
ओके okay.